राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को पावन चिंतनधारा आश्रम के सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन की ओर से नाट्य प्रस्तुति कृष्ण का आयोजन किया गया। आश्रम के कलाकारों ने नाटक का मंचन किया। श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें दिन रात भजते भी हैं, परंतु क्या हम भगवान कृष्ण के सही स्वरूप को जानते हैं? क्या हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझते हैं? इन्हीं सवालों से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने डॉक्टर पवन सिन्हा के मार्गदर्शन में ये नाटक तैयार किया। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और अमृतसर में सफल आयोजन के बाद राजस्थान में पहली बार इस नाटक का मंचन हुआ। दर्शकों ने न सिर्फ श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप से साक्षात्कार किया, बल्कि मानव जीवन की सफलता का मंत्र भी आत्मसात किया। इस दौरान दर्शकों को भारतीय ज्ञान शोध संस्थान की निदेशिका एवं आदरणीय गुरु माँ डॉक्टर कविता अस्थाना का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। हम पावन चिंतन धारा आश्रम गाजियाबाद से आए हैं। ये आश्रम देश के युवाओं और बच्चों में संस्कार और धर्म की स्थापना करने का पूरा प्रयास विगत 15 वर्षों से कर रहा है। उसी कड़ी में आश्रम का एक प्रकल्प है परिवर्तन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से युवा बच्चों को और बड़े लोगों को अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जागृत किया जाता है। आज हम श्री कृष्ण के ऊपर एक नाटिका लेकर के आए हैं, जिसमें आश्रम के बच्चे थिएटर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश 5000 वर्ष पूर्व दिया था, वो आज भी कितना प्रासंगिक है। उसमें आज भी युवाओं की समस्याओं के हल हैं। जैसे अर्जुन जब डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि वो ये युद्ध नहीं लड़ सकते, तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वो उपदेश आज भी कितना कंटेम्पररी है, ये हम जानेंगे इस नाटिका के माध्यम से।